हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरी तरफ से जय भोलेनाथ की जय हो। कैसे हो आप? बढ़िया होंगे सभी, ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से, और हवा भी चली हुई है। खेत में आया हूँ मैं, मतलब आज लास्ट दिन है धान लगाने का, तो फिर मैंने सोचा एक ब्लॉग शूट भी कर लेते हैं। तो मतलब काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं, तो मतलब टाइम नहीं मिल रहा था पहले ही धान में। जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया कि मशीन रखी हुई है, तो इस कारण मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाता था। तो अब मतलब कि लास्ट दिन रहा है, तो यहाँ पे देखो पहले आपको दर्शन कराते हैं नागसुंडल के। जय नागसुंडल की जय हो, जय नागमित्र की जय हो। तो गाइज, जो मेरे चैनल में नए आए हुए हैं, जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट, तो चैनल को पूरी सपोर्ट करना मेरे भाई, अपने भाई को। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं इन खेतों से। तो ये वाला ओडू था छोटा सा, इसको मम्मी पापा और ले गए सुबह जल्दी उठ के, तो नीचे लगाएंगे। और यहाँ पे सारे खेत लगभग पूरे खाली हो चुके हैं, एक रहा है, एक अच्छा है अभी, इसका नया भी लगाया था अंकल ने। तो पर ये सारे खाली हो चुके हैं नीचे से ऊपर, तो ये टाइम नहीं मिलता था ब्लॉग शूट करने के लिए, इसीलिए मतलब सारी यहाँ पे मैंने सारा लगाया था मशीन में। तो यहाँ पे अंकल ने गुवार भी करना शुरू कर दी है, तो कनक के लिए मतलब कि ट्रैक्टर कर दिया शुरू यहाँ पे बहाने के लिए। ये वाला प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है आपको, तो इतना मस्त है कि काम करने का भी थोड़ा दिल लग जाता है। और आज यहाँ पे कर रहे हैं, नमस्कार अंकल जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। और तो आज यहाँ पे कर रहे हैं हम, ये चाची जी छोड़ रहे हैं मोटर को, तो बस ये रहा है। तो ऐसे बताते हैं आपको, तो ये यहाँ पे लगाएंगे थोड़ा सा, ये वही त्रिपाल में हमारे होंगे थोड़े से, और बाकी ये इनके होंगे, तो ये थोड़े से धोने के लिए इनके लिए ये है। पहले हम भी मतलब जफ्ते से पत्थर में रख के फिर ड्रम के ऊपर मतलब कि फिलहाल होता था, एक दो दिन हमारे टूट जाते थे। जब से ये मशीन ली हुई है हमने, जब से हमें सुख है, तो जैसे कि हमने अपने लिए ली थी, तो बाकी के लोग भी बोलते थे लगाने के लिए, तो हम उनके भी लगा देते हैं। तो आज लास्ट वाला दिन रहा ख़त्म करने का सारे सभी के, मतलब कि कल यहाँ पर लगाए हुए थे, तो फिर चाचा जी बोलते हमारे लगा दो, फिर हमने सोचा एक छोटा सा उड़ी बची हमारी बासमती की, तो वो वाली भी क्लियर कर देते हैं पूरी। गाइस, धान लगा दिए थे मैंने, तो पापा ने फ़ोन किया था, आज बेबी भी जा रही है अपनी घर जा रही है वापस, तो बोला सामान छोड़ना है, सामान काफ़ी हो चुका है। तो फिर मैंने उसे मशीन बंद कर दी हुई है, तो फिर उसके बाद जाना है। यहाँ पे देखो आदू, आदू हेलो हेलो। तो यहाँ पे पूरी तैयार हो चुकी है बेबी के सारा सामान, ये लेके जाना है पास। तो देखो कितना रंगाड़ा है अंदर, कितना कूड़ा डाला हुआ है। तो आज ये जा रही है, हेलो कर दो बेबी। तो एक मंथ हो चुका है यहाँ पे बेबी को, हेलो आरव।
इसका नाम आ रहा है, क्या नाम है इसका? इसका नाम ऋत्विक है, तो मैं भूल गया था इसका नाम। हेलो कर दे मामू को। हेलो 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 बरमोरी, हेलो हाय गड्डू, हेलो गड्डू, सभी को हेलो गड्डू। तो मामू तो पूरा गंदा है, मामू के बाल भी देख रहा है, ये डरता है मेरे से, मेरी दाढ़ी कितनी बड़ी हो चुकी है काम के चक्कर में, तो जा रहा भी नहीं हूँ मैं, आज जा रहा है मेरा बच्चा। बाय गड्डू भाई, बाय। ये जो कुछ होता है ओ आज को नहीं लेके गए, यहाँ पे भी दर्द लगा रहे हैं, यहाँ पे कुन्नू कुन्नू बोला जाता है, दर्द ही बोलते हैं ऐसे तो। और यहाँ पे दान को किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, तो बताते हैं आपको कुछ इस तरह किया जाता है। हवा लग रही है तो खुद साफ हो जाता है जो कूड़ा है। कितना कूड़ा है इसके अंदर, उसको आने के लिए रखे हुए बाकी। और जो ये नीचे गिरे हुए हैं वो है, चाचा जी को नींद आ गई है, तो गाइस देखो कितने धान जड़े हुए इस बार ओले के कारण में लगी। ये देखो कितने सारे पूरे खेत में ऐसे ही बुरा हाल है, देखो कितने जड़े हुए हैं। यहाँ पे देखो कितने ढेर लगे हैं धान के, ये देखो। और दोपहर के बज रहे हैं, डेढ़ बज चुका है, और ऊपर देखो सूरज भी ऊपर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे पुरुषोत्तम भी आ सोच रहे हैं, मतलब थोड़ा झाड़ू लिया उसके साथ, शायद थोड़े ले लेंगे तो पशुओं के काम आ जाएंगे डाला दूला बनाने के लिए। तो ये तो अपनी मेहनत है, मतलब की जरूर है, नहीं तो पाँव में जाएंगे सारे दाने। गाइस शाम के बज रहे हैं, 5:30 हो चुके हैं, और आजकल मतलब 6 बजे तक अंधेरा हो जाता है, और सूर्य देवता भी डल रहे हैं, यहाँ पे अस्त हो रहे हैं। और यहाँ पे रखे हुए हमने दान अपने सुखाने के लिए, जो बासमती निकली है कांटे वाली नीचे वाली खेत की, और यहाँ पे डाले हुए हैं, और इसमें भी डाले हुए हैं। और यहाँ से देखो कितना प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है, ऊपर बादल भी आ चुके हैं,
जोत वाले रास्ते से यहाँ से मतलब कि बादल आ चुके हैं पूरे, और यहाँ पे मशीन लगाई थी रेड ने, और यहाँ पे देखो पनीरी निकाल दी है, पनीरी निकल चुकी है और साग वगैरह जो भी है वो सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पे सुभाष भाई आए हुए, मशीन लगाई थी, और ये मम्मी जी, और यहाँ पे ये पर्दी लगाई हुई है, थोड़ी सी लुक देती है। तो गाइस पहले कॉफी वगैरह पी लेते हैं, फिर बाजार भी जाना है मैंने।